What's up guys, welcome to my channel. कैसे हैं आप लोग सब? सलाम अलैकुम. यार आप लोग देख रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पम्प्ड हूँ. उसके और रीजन है, ठीक है. फाइनली जो आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मेरा एडवेंचर ट्रिप वुड्स के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और वो दिन है आज. तो मैं अभी आया हूँ क्वींस के अंदर, अपने एक दोस्त को यहाँ से पिक करेंगे, फिर यहाँ से हम ड्राइव करेंगे 3.5 घंटे की. और वहां पर उस जगह पे जब पहुंचेंगे तो सारा दिन हम जो स्पेंड करने वाले हैं वो ऑलमोस्ट सारा दिन का है. 6 से 8-10 घंटे लगाएंगे वहां पर, और जो एडवेंचर, जो थ्रिल, जो फन जो आने वाला है, उसका मैं क्या बताऊं आपको. यार ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, हो सकता है इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊं, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं अब ये व्लॉग यहां से. एंजॉय करना, हम लोग जा रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, बहुत सारे एनिमल्स भी होंगे भाई, बड़ा मजा आने वाला है. तो यार लेट्स स्टार्ट द फन जर्नी, थ्रिल, रिस्क, एडवेंचर नाउ. साथ में रहें, मजा आएगा. तो जी यहां से सफर शुरू होता है मेरा लॉन्ग आइलैंड से क्वींस तक का. इसलिए क्वींस में जा रहा हूं, और वहां से मेरा दोस्त वेट कर रहा है, उसको पिक करेंगे, और वहीं से फिर आगे की जर्नी स्टार्ट होगी. जी मैं क्वींस में एंटर हो चुका हूँ. ये है हिल साइड एवेन्यू, जो राइट साइड पे आगे नज़र आ रहा है आपको, वो है पटेल ब्रादर. तो मोस्टली जो देसी हमारी कम्युनिटी है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, जो भी देसी कम्युनिटी है, वो इस इलाकों में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और बड़े अपने देसी बाज़ार, स्टोर्स वगैरह यहाँ पर अराउंड पे हैं. तो अब मैं यहाँ से अपने दोस्त के घर पे जा रहा हूँ, जो वो भी क्वींस पे रहता है. सिर्फ अभी यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव है बस, और ज़्यादा नहीं. तो साथ में रहें, आज का सफ़र बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है. थोड़ी देर में हम दूसरा राउट लेंगे आगे जाके, तो मैं बताता हूँ जब वो राउट आएगा. और यार जैसे ही एक मैं स्ट्रीट गली से गुजर रहा था, ये लेफ्ट राइट पे जो घर हैं, क्वींस की जो रियल इस्टेट है, जो घर वगैरह हैं, इवन ये थोड़े अगर छोटे भी नज़र आ रहे हैं, पर ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है. इसलिए क्वींस को जो है न्यूयॉर्क का हार्ट बोला जाता है. उसकी वजह ये है कि ये बीच में है क्वींस, पूरे न्यूयॉर्क में. तो यार मैं पहुँच चुका हूँ अपने दोस्त के घर पर, अब बस का वेट कर रहे हैं, भाई ने आते हैं तो फिर निकलते हैं आगे हम अपनी जर्नी की तरफ. देखे भाई, देसी लड़कियाँ ऐसे जॉगिंग करती हैं, क्या बात है. ये है वो इंसान, यही है वो इंसान, पहचान लो. ये देखो काम ही खत्म नहीं हो रहा इसके. चले जी, यहाँ से शुरू होता है हमारा रास्ता सीधा पेंसिल्वेनिया, जो हमारी डेस्टिनेशन है. और पेंसिल्वेनिया में हम जा रहे हैं पोकोनोस में. तो यार पहला भी एक स्टॉप लिया हमने, ये रहा डंकिन डोनट उस तरफ. तो भाई भी अंदर गया हुआ है, और फिर वापसी आते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, सफ़र कंटिन्यू करते हैं. यहाँ से हमने कॉफ़ी शॉफी पकड़ ली है, जर्जी में घुस चुके हैं हम लोग अभी, और आगे का थोड़ी आगे बढ़ा. तो यार अभी हम पहुँचने में तकरीबन घंटा सवा घंटा जो है अभी बाकी है, और जिस जगह पे जा रहे हैं मैंने अभी बताया ना, वहाँ पहुँच के पूरी डिटेल में आपको थोड़ा बताऊँगा. पर बड़ी थ्रिल वाली जगह होने वाली भाई है, और देखिएगा जरा मजा आएगा. और ये भाई साहब को गाड़ी दे दी है मैंने, मैं चला चला के थक गया हूँ. तो ये गाड़ी कम चला रहा है, हवाई जहाज चला रहा है भाई मेरा. वैसे भी भाई ये टेक्निकली भाई साहब पायलट ही है, और एक जहाज की तरह ये गाड़ी को भी चला रहे हैं. F-16 के पायलट रह चुके हैं भाई, अब इस वक्त ये गाड़ी के पायलट है. रिटायर्ड F-16 के, वो भी रिटायर्ड. तो यार थोड़ा सा मैं बताता हूँ, जैसे हम जर्सी के रोड से हाईवे पे जब गुजरते हैं न्यूयॉर्क से आने के बाद, ये डिफरेंट लॉ है जर्सी के, डिफरेंट लॉ है. स्पेशली स्पीडिंग का जो मसला यहाँ पर ये है कि आप ओवर स्पीड करोगे तो उसके टिकट बड़े लंबे लगते हैं, ठीक ठाक टिकट लगते हैं. जैसे रफली इसमें आपको बताऊँ, न्यूयॉर्क में अगर आप स्पीडिंग कर रहे हो तो 100-150 पड़ेगा. यहाँ पर जो टिकट लगते हैं भाई वो 500-1000 के ऊपर होते हैं. तो और उसके अलावा दूसरा एक चीज़ न्यू जर्सी के हाईवे की मुझे पसंद नहीं है, आप एक एग्जिट अगर भूल जाते हो तो आपका घंटा सवा घंटा कहीं नहीं गया, फिर आप ठीक ठाक तरीके से लॉस्ट हो जाते हो. तो यहाँ पर बड़े देखभाल के ज़रा गाड़ी चलानी पड़ती है. और उसके अलावा बड़ा खूबसूरत है न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी, इसलिए यहाँ पर हरियाली ज़रा ज़्यादा है,
और जैसे मुझे नेचर्स के जगहें ज्यादा पसंद है हाइकिंग टाइप की, तो वो जर्सी की तरफ ज्यादा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम न्यू जर्सी को ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं पेंसिल्वेनिया की तरफ। तो वो एक दूसरा स्टेट आ जाता है, और पेंसिल्वेनिया बहुत बड़ा स्टेट है, अगर आप ड्राइव करें तो तकरीबन 5 से 5.5 घंटे लग जाते हैं सिर्फ पेंसिल्वेनिया खत्म करने के लिए। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। और रास्ते में मुझे जो मजा आता है, जगह जगह पे सर्विस एरिया आते हैं और उसके अंदर खाने पीने का हिसाब किताब और अच्छा माहौल बना होता है, तो वो भी मुझे बड़ा फन आता है कि हर 2-3 माइल बाद, 4 माइल बाद जो है एक सर्विस एरिया आता है, तो वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करें, फ्रेश अप हो जाए और फिर आप आगे। अब कलर्स देखें ट्री के यार, येलो पन इस पे आना शुरू हो चुका है, ऑरेंज कलर, ग्रीन। सितंबर खत्म हो गया है भाई, अक्टूबर शुरू हो गया है, 1-2 महीने की और कहानी है, फिर यहाँ पर ठंड दोबारा से वैसी शुरू हो जानी है। ये बेचारे जो ट्रीज है सारे नंगे हो जाते हैं भाई। देखो ये ऐसा है, नास्कार चला रहे हैं, 85 की स्पीड में जा रहे हैं, 55 रोड की स्पीड है। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ जब मैं निकलता हूँ इंटरस्टेट में। अभी जो मैं फ्लोरिडा हो गया हूँ, मेरी एवरेज स्पीड 85-90 जो भाई ये बोल रहे हैं ना, ये माइल्स पर आवर है, ठीक है, जैसे आप लोग इंडिया में किलो माइल्स चलता है, ठीक है। तो या इट्स प्रीटी फास्ट, It's a huge property. It's spread it to New York, Pennsylvania, and Delaware. Some part of Jersey. Jersey भी कुछ part में भी आता है. And mountain range है Poconos, so it's spread out all 3-4 states. तो जैसे मैंने बताया थोड़ी देर में हम बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये बार बार जो एक वर्ड यूज कर रहे हैं पोकोनोस, तो ये जिस डेस्टिनेशन में हम जा रहे हैं ये उस जगह का नाम है पोकोनोस, और ये वैसे टेक्निकली विलेज ही है ये, पर बड़ा खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। तो अभी जब करीब पहुँच जाएंगे तो फिर हम भी एक्सप्लोर करेंगे और आप भी साथ साथ एक्सप्लोर करना। फिलहाल तो ये जो साइट सीन है जिन इलाकों से हम गुजर रहे हैं उससे इंजॉय करें। ये सारी जगह इस टाइप की जगह बड़ी पसंद आती है कि इस तरह निकला जाए और वुड्स की कोई जगह या जंगल टाइप के या विलेज वगैरह कोई नई चीज एक्सप्लोर करो, तो आई ऑल्सो लव इट। अब ये जो जगह हम जा रहे हैं ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है, अभी तक मैं इस स्पॉट पे गया नहीं हूँ, हमारे किसी दोस्त की फैमिली जाके आई है, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि आप जाओ चेक करो, देखें ये लिखा हुआ है पोकोनो। ये देखिए आप स्टोर किस टाइप का है भाई, ढाबा है, ढाबा ढाबा है, ढाबा सही बात है, वैसा बनेगा ढाबा। इस जगह पे बेयर, वाइल्ड एनिमल, कायोटीज, फॉक्स, डियर्स तो नॉर्मल हैं, और क्या है भाई वाइल्ड में, ये वाइल्ड कैट्स हैं और बेयर है ज्यादातर, जगह जगह पर ये डियर किस जगह जगह। हाँ डियर तो वाइल्ड में नहीं आता ना, डियर तो डियर ही है मतलब। तो भाई ने बोला इनके हिसाब से डियर जो वाइल्ड में नहीं आता भाई, ठीक है, कॉमर्स पे लिख के भेजना। हमने बोला वाइल्ड एनिमल्स व्हिच कैन अटैक ऑन यू, उसमें बेयर है और वाइल्ड कैट्स है, नहीं बेयर है, हम अटैक नहीं करेंगे, बॉब कैट्स खा रहे हैं या एनिमल्स थोड़ी अटैक करता है, डियर तो डर के भाग जाता है सर। खतरनाक है, पर जो ग्रिजली जो ब्राउन बेयर जो उसको बोलते हैं वो जरा ज्यादा बचना पड़ता है। तो यहाँ है ऐसी जगह पे आप आओ तो थोड़ा देखभाल से घूमना पड़ता है, सीधी बात तो यह है। कोई बात नहीं, बेयर आएगा तो मैं अदनान को भेज दूंगा आगे, यही बात करेगा उससे, तरीके से बिठा के समझाएगा उसको जरा, राइट।
बस यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है कि यहाँ पर कोई बस सर्विस वगैरह तो होती नहीं है। उबर वगैरह होगी, वो भी शायद बहुत कम हो चलती होगी यहाँ पर। सबके पास अपनी अपनी गाड़ी होना जरूरी है। मैंने काफी सारे लोगों को वॉक करते भी देखा है यहाँ पर। तो जाहिर है ये सिटी से थोड़ा हटके है, जंगलों में गांव बसे वसे आनी है। तो इट इज व्हाट इट इज, बट लुक्स ब्यूटीफुल यार। क्या बात है, पत्ते गिर रहे हैं, लुक्स रियली कूल यार। ये हम पोकोरो करीब करीब पहुंच गए, 2-3 मिनट का रास्ता है, पर ये रास्ते में यहाँ पर ऐसे कैबिन भी बने हुए हैं ये जो आपको नजर आ रहे हैं। इधर आप आए, इसको रेंटेड अप करें, कैबिन का मजा लें, बहुत खूबसूरत सा माहौल है। तो अपकमिंग टाइम में ये भी चलेगा, तो ये भी इंशाल्लाह जरूर करेंगे हम लोग कैबिंग शैबिन। कमेंट्स में आप लोग लिख देना सलाम भाई इस जगह पे वापस जाओ, तो हम दोबारा ट्रिप बनाएंगे। थोड़ा दूसरा मैं आपको दूसरे से बताता हूँ। क्या माहौल है यार, क्या बात है। वो वहाँ पर देखें छोटी सी एक बग्गी टाइप की खड़ी हुई है, इधर से मैं बताता हूँ आपको, देखें और इन्जॉय करें। सामने लेक है, थोड़ा सा क्लोजअप लेते हैं। तो उस साइड पे वहाँ पर लेक शेक बनी हुई है, इट्स रियली पीसफुल। तो वहाँ पर भी ये सारे जो हैं ये कैबिन आप यहाँ रेंट कर सकते हैं। तो ये माहौल बड़ा अच्छा है यहाँ पर, देखें आप बाहर बैठे हैं, आप अपना खाना छाना खाया रहते हैं और वुड जलाएं वहाँ पर, आप जाके फिशिंग वगैरह कर सकते हैं वहाँ पर। इट्स रियली ब्यूटीफुल मैन, रियली नाइस। तो यार इस वक्त मैं अपने घर से तकरीबन 3-3.5 घंटे की दूरी पर आया हूँ। ये पेल्सवनी के वुड्स एरिया के अंदर हम घुस चुके हैं। तो जिस डेस्टिनेशन में जाना है, जो पोकोनस है, वहाँ से 4 मिनट की ड्राइव हो रहा है।